वर्तमान में अगर देखा जाए शिक्षा की दृष्टि से बिहार राज्य बहुत आगे बढ़ रहा है हमने कहते हुए सुना था कि शिक्षा की दृष्टि से कोई पिछड़ा राज्य है तो बिहार है लेकिन अब ऐसा नहीं है बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी जिनका फोटो आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं अतुल प्रसाद जी इतनी तीव्र गति से शिक्षा को लेकर के काम कर रहे हैं कि अभी एक लाख सत्तर हजार पदों पर वैकेंसी निकली थी लगातार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ उन्होंने फटाफट कर दिया और आज एक बहुत बढ़िया एक जानकारी मुझे मिली है कि उन्होंने रिजल्ट डेट भी डिक्लेयर कर दिया अतुल प्रसाद जी का ऑफिशियल बयान उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से भी किया है न्यूज में भी इस चीज की जानकारी है तो मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे कि अतुल प्रसाद जी ने 15 सितंबर को अपने ट्वीट में कहा था कि टीआरआई टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम है अब अक्टूबर के मध्य तक आने की संभावना है या थोड़ी देरी सी आदि के लंबित परिणामों उम्मीदवारों द्वारा अपने ओ में की गई गलतियों जैसे गलत रोल नंबर गलत संकला और इत्यादि डॉट 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 यानी इन्होंने यहां पर कहा कि भैया जो रिजल्ट है वो अक्टूबर में के मध्य तक आएगा और उसके बाद हमको आज ही यानी आज है आपकी 17 तारीख कल 16 तारीख को आप देखेंगे तो यह एक पटना से सीधी न्यूज़ है कि आयोग ने कहा कि 170000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 15 अक्टूबर तक जारी हो जाएगा तो यह एक ऑफिशियल जानकारी है बाकी इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल अनुपम सर पर इसको डाल दिया है आप आराम से पढ़ लीजिएगा तो अब यह तो बात रही एक लाख सत्तर हजार शिक्षक पदों की कि भाई जो एक लाख सत्तर हजार पद हैं इनका फाइनल रिजल्ट वो आ गया पंद्रह अक्टूबर को अब क्योंकि पंद्रह अक्टूबर को इसका फाइनल रिजल्ट भी आना है जिससे क्या होगा जिससे हमको जानकारी मिल जाएगी एग्जैक्ट कितने पदों पर वेकेंसी और बची है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था इससे पहले जो बिहार का जो शिक्षा निदेशालय है उसके द्वारा एक यह भी निकाला गया था तेरह तारीख को मैंने आपको बताया था जिसमें हमने आपको बताया था भैया कि जो माध्यमिक शिक्षा यानी जो उसके निदेशक हैं किसके बिहार शिक्षा विभाग के उन्होंने अपने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जो जिले में जो शिक्षा के अधिकारी बी एस जिनको जनरली कहते हैं उनसे कहा है भैया विषय है माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में अद्यन उपलब्ध रिक्ति पद की सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में मतलब इन्होंने कहा कि भैया आपके यहां पे कितनी वैकेंसी हैं उनको हमको जानकारी दीजिए तो यह तारीख का रहा था दो चार छह दस दिन इनको लगेंगे अपनी सूचना एकत्रित करने में और अब अतुल प्रसाद जी ने यहां पर साफ़ कह दिया कि जो रिजल्ट है वो पंद्रह अक्टूबर तक आ जाएगा तक लगा हुआ मतलब आगे पीछे दो चार दिन चलते हैं। तो एक तो यह रिजल्ट आ जाए दूसरा कितनी वेकेंसी है ये आ जाए और उसके बाद आपको पता है भैया कि बिहार में एकदम तंगड़ी एक, एक लाख पदों पर भर्ती पहले ही हो चुकी है जिसको लेकर के खूब हमने भर भर के सेशन आपके लिए किए जिनको लेकर के मैंने आपको बताया भी, भी वहां पर ये एक बीस तारीख की न्यूज थी जब कह रहे थे भैया कि डेढ़ लाख पदों पर वेकेंसी आएगी उसके बाद मैं आपको दिखा दूं जो फाइनल अपडेट उन्होंने दिया था जिसको अतुल प्रसाद जी ने अपने ट्विटर हैंडल से भी लिखा था वो ये था भैया आपका कि एक लाख शिक्षकों की आएगी नई वैकेंसी नवंबर में परीक्षा हो जाएगी दिसंबर में रिजल्ट भी जारी हो जाएगा और यह रहेगा क्योंकि चौबीस में आपको पता इलेक्शन है, है चुनाव है सेंट्रल गवर्नमेंट में और जनवरी फरवरी के आसपास जब आचार संहिता लग जाएगी तो नया काम कोई होगा नहीं इसलिए एट एनी कॉस्ट इसको दिसंबर तक क्लियर भी करेंगे तो अब जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो हो सकता है कि एक लाख सत्तर हजार के पद दो में यदि आप आ, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाए किसी भी कीमत पे तो आप तुरंत अब इसके लिए लग जाइए एक लाख शिक्षकों के लिए क्योंकि और हाँ ये मैंने पहले भी आपको बताया बी एड वालों के लिए सबसे अच्छा मौका है क्योंकि आप साफ यहाँ पे देख रहे लिखा भी अभीया कि कक्षा एक से पाँच तक के लिए कोई वैकेंसी नहीं होगी यह जो एक लाख शिक्षकों की पद है इसमें कक्षा छ से आठ तक कक्षा नौ से दस तक जिसको माध्यमिक कह रहे हैं कक्षा ग्यारह से बारह तक जिसको उच्च माध्यमिक कह रहे हैं उसके लिए वेकेंसी है छह से आठ तक लगभग कितने पद हैं तो हमने आपको बताया था बावन हजार है पद हैं अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो वेकेंसी उनकी फाइनल डिटेल आई जाएगी लगभग विशेषज्ञों का मामना है पचास बावन हजार इसके भी वेकेंसी होंगी तो लगभग जो ये बात सत्य है लाख शिक्षकों की और आप जानते हैं इसको संपूर्ण भारत के विद्यार्थी भर सकते हैं ऐसा नहीं कि कि के इसको भर सकते हैं। पूरे भारत से भर सकते हैं बिहार में एसटेट पेपर, पेपर टू क्वालिफाई होना चाहिए लेकिन छठवीं से आठ तक अगर बढ़ना है तो बिहार में सी पेपर टू या बिहार का जो बी पेपर टू है वह भी क्वालिफाई हो सकता है और याद रखना संपूर्ण भारत के लिए जो एक तो यह भर्ती है एक संपूर्ण भारत के लिए एक दूसरी भर्ती आपके लिए तैयार है हरियाणा में हरियाणा भी बिल्कुल बिहार के पैटर्न पर काम करता है एचिजीटी पीजीटी टेट पीजीटी के पहले पात्रता परीक्षा लेता है आपसे उसके बाद वो टीजीटी पीजीटी में भर्ती जो है निकालते हैं तो इन बातों को याद रख लीजिएगा महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अपडेट तो भाई बस तैयारी से लग जाओ इतनी सारी अच्छी खासी भर्तियां हैं और एकदम शानदार तरीके से वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऑफलाइन कॉमेंट करके हमको बताना जानकारी आपको कैसी लगी और मिलते हैं फिर अगले किसी और वीडियो में अपना ध्यान रखिएगा शुक्रिया थैंक यू जय हिंद जय भारत